प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा बवाल हुआ है। शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर पुलिस ने संजौली से दलिता का रास्ता बंद कर दिया है। हालांकि अब प्रदर्शन उग्र हो गया है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और संजौली में मस्जिद की भीड़ बढ़ने लगी है। तो वहीं शिमला में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल मौके पर धारा 163 तोड़ी गई है, वहीं वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि लोग पानी से बचने के लिए छाते लेकर पहुंचे हुए हैं। पुलिस के सामने यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो रही है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। तो ऐसे में पुलिस के सभी इंतजाम यहाँ पर फेल होते दिख रहे हैं। 1000 के करीब पुलिस बल फिलहाल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी को रोकने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। तो ये तीन तस्वीरें यहाँ पर इस उग्र प्रदर्शन की वानगी है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार पुलिस लाठी चार्ज करते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी तस्वीर में ये साफ इंगित हो रहा है किस तरह से ये प्रदर्शन एक उग्र शक्ल लेता जा रहा है। तो वहीं इस उग्र शक्ल इख्तियार तैयार करने के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है और इसको रोकने में यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी कोशिश करते हुए बतौर वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी तस्वीर में देखिए 1000 से ज्यादा यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ चुकी है, बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ ने बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका है और तस्वीरों में भी ये साफ लगातार 1000 से ज्यादा लोग इस मस्जिद विवाद को लेकर गुस्साए हुए हैं। भीड़ अब यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम यहाँ पर कोशिशें पुलिस की फेल। वो अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, परंतु अगर इस तरह की बातें होती हैं और इसको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो ये इस तरह की तस्वीरें जो आज जो दिख रही है वो बड़े समय से जो वजह है जिसकी वजह से आज ये देखा कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन के जो नारे हैं उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो आम जनता को यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। मैं आपको जानना चाहूंगा कितने लोग हैं, लगभग कम से कम 10,000 लोग हैं सर। 10,000 लोग हैं, उससे भी ज्यादा है। तीन जगह रोके गए हैं, टनल से परे भी अभी 1000 से ऊपर लोग है। और देखिए प्रशासन की कितनी नाकामी है, सारे स्कूल खोल कर रखे, सारी जनता परेशान हो रही है, सबके बच्चे स्कूल में, इस टाइम छुट्टी का टाइम होता है, इनको स्कूल बंद करने चाहिए थे, स्कूल भी बंद नहीं किए इन्होंने, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग लेडीज आ रही है, कोई बच्चे को लेने लेडीज आ रही है, सारे स्कूल इन्होंने ऊपर रखे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जी, बताइए आप क्या कहेंगे। बड़ी बात, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, हम आपसे देश में है, पाकिस्तान में नहीं है। अगर लोकल लोग यहाँ पे अवैध निर्माण करते उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है मलियाना से लेकर गली तक सारा अवैध निर्माण किया था, वो सब डिसमेंटल कर दिया। अगर मस्जिद बनी है अवैध है तो इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने ये कहा है कि 5 अक्टूबर को जो है वो, सरकार ने तो पहले भी कहा था कि हम इसको 9 तारीख, कितनी तारीख की डेट दी थी पहले, 9 की तारीख, 9 तारीख की, क्यों सरकार ने आगे डेट बढ़ाई है? लोकल आदमी ने अवैध
कुछ निर्माण किया था उसको अब डिसमेंटल किया गया। अगर ये अवैध है तो उसको डिसमेंटल क्यों नहीं कर रही है सरकार, एक्शन क्यों नहीं ले रही है, लोगों को हरास क्यों कर रही है, स्कूल क्यों ओपन रखे हुए स्कूल जब शांतिपूर्ण तरीके से जब आम जनता आ रही थी, फिर बैरिकेड लाठी चार्ज बताइए किसी भी लोगों के पास डंडा पत्थर कुछ भी होगा तो कोई भी मीडिया वाला बता दे, किसी के हाथ में देखा आप लोगों ने किसी के पास पत्थर था लाठी थी, पुलिस वाले को क्या मजबूरी हो गई है तो लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। ये लाठी का जो है ये लाइफ जो है वो एग्जांपल है, उसको प्राइवेट पार्ट्स में भी लगे हुए हैं, उसको जो है नुकसान किया गया है, पुलिस का जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि वो रोकना चाहती थी परंतु रोकने का तरीका था वो ऐसा, आम जनता ये कहती है।